कैसे हैं भाई आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। करते रहो भाई, एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो भाई, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल वगैरह टाइटल वगैरह देख के पता चल गया होगा, इस वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे कि SSC MTS 2022 की आंसर की आ गई है। अगर आपने अब तक वो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके अपनी आंसर की देख लें। और 2022 की कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्योंकि अब कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर तो होगा नहीं, ना इसमें मेडिकल होता ना इसमें फिजिकल होता, तो अब जो कट ऑफ आएगी वो फाइनल कट ऑफ ही आएगी सिलेक्शन के लिए। तो उसी कट ऑफ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले तो आप अपना मार्क्स देखिए आंसर की में, कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, रॉ स्कोर कितना है आपका। तो अगर आप अब तक अपने मार्क्स आंसर की में ऐसे गिनते हैं कि मेरे एक सही, दो सही, तीन सही, अगर आप ऐसे गिनते हैं तो भाई आप बहुत पीछे चल रहे हो। अब तक आप अपना आंसर की जो लिंक है उसको रैंक IQ एक नाम की वेबसाइट है, वैसे तो लाखों बच्चे जानते हैं उसे, पर जो नहीं जानते उनको बता दूं, रैंक IQ एक नाम की वेबसाइट है। वहाँ पे जैसे ही कोई नई एग्ज़ाम की आंसर लिंक आती है उसका वहाँ पे लिंक आ जाता है। अब जैसे MTS 2022 लिखा होगा, वहाँ जाके आप क्लिक करेंगे, अपनी आंसर की का लिंक वहाँ पेस्ट करेंगे, तो वो आपको सब बता देगा कि आपका किस शिफ्ट में पेपर था, आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं, वो सब कैलकुलेट करके आपको बता देगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई सबसे पहले तो आप वहाँ जाके अपना स्कोर देख के आइए, अगर आपने देख लिया है तो वेल एंड गुड है। फिर आपको पता चलेगा कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं और मुझे और कितने नंबर चाहिए, मतलब कट ऑफ में मेरे को नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स मिल सकते हैं, या बिना नॉर्मलाइजेशन के ही कट ऑफ क्लियर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो ये सारी बात आपको पता लग जाएंगी। तो भाई जो जो मेजॉरिटी ऑफ जो बच्चा है ना, मतलब 70 से 80% जो बच्चा है, वो बच्चा ऐसा है जिसके 80 से लेके 100 के बीच में नंबर है। मेजॉरिटी बच्चा वहीं पे अटका हुआ है जिसके 80 से 100 के बीच में नंबर हैं, और वही हर जगह जाके ये पता कर रहा है कि भाई इतने नंबर वालों का कुछ होगा या नहीं होगा। और भाई जिनके 110 110 15 20 हैं वो कहीं नहीं जा रहे, उनको पता है उनका होना है। जिनके 100 जिनके 70 या 75 या 60 के आसपास हैं वो भी कहीं नहीं जाते, उनको पता है हमारा नहीं होना। तो ये जो बीच के जो मीडियोकर बच्चे बचते हैं ना, 80 से 100 के बीच के, इन्हीं को सबसे ज़्यादा जानने की तलब लगी रहती है कि हमारा क्या होगा, हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा, आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे से करें ना करें। तो भाई नंबर आए ना आए, एग्ज़ाम की तैयारी अपनी अच्छे से करते रहो आगे, क्योंकि अगर MTS में लग भी गए तो पूरी ज़िंदगी MTS में तो बिताओगे नहीं, आगे जाने के तो कुछ सोचा होगा, तो अपनी तैयारी करते रहो और बढ़िया से। तो बात करते हैं अपनी कट ऑफ की, कि कट ऑफ किसकी कितनी जा सकती है। भाई ये मेनली मैंने नॉर्थ के सिटीज़ का है, ट्राइबल एरियाज़ की कट ऑफ निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मेनली मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, सारे स्टेट्स के अलग करके नहीं बताऊँगा, सारे कैटेगरी के बता दूंगा। अगर आप उसके आसपास भी आते हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई UR की, जिसको हम जनरल कहते हैं। तो भाई अगर जनरल के बच्चे के नंबर 120 से 125 के बीच आ रहे हैं, मैं रॉ में नहीं कह रहा, अगर आपके रॉ में 115 के आसपास हैं, 115 से दो तीन नंबर कम हैं, तो मिनिमम 10 नंबर की नॉर्मलाइजेशन तो देखो भाई सबको मिलती है ही, आपको भी मिलेगी। नॉर्मलाइजेशन का जो मेजॉरिटी हिस्सा है वो 10 नंबर होता है, 10 नंबर 80% बच्चों को नॉर्मलाइजेशन मिलती है, 15-20 नंबर बहुत रेयर केस होते हैं, और 4-5 नंबर भी बहुत रेयर केस होते हैं। जैसे मेजॉरिटी बच्चों के 80 से 100 के बीच में नंबर आते हैं ना, ऐसे ही मेजॉरिटी बच्चों को 10 नंबर की 10-11 नंबर की नॉर्मलाइजेशन मिलती ही मिलती है हर बच्चे को, ठीक है भाई। अगर आपके जनरल में 115 के आसपास नंबर बन रहे हैं तो आपको 10 नंबर की नॉर्मलाइजेशन तो प्यार से मिलेगी, आपके 125 के आसपास नंबर हो जाएंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन में नाम आ जाएगा। अब बात करते हैं भाई EWS और OBC की, सेम ही कट ऑफ जाती है, 1-2 नंबर के आसपास चली जाए तो वो वेरिएशन कोई नहीं कवर कर सकता। EWS और OBC आपको 115 से 120, ये मैं आपकी फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ, आप इसमें से 10 माइनस करके अपना रॉ निकाल सकते हैं, मतलब अगर आपका रॉ 105 110 बन रहा है, आपको 10 नंबर की नॉर्मलाइजेशन मिलेगी ही मिलेगी।
नहीं मिली तो भाई वो लक की गेम हो जाती है कि 4-5 नंबर ही मिले, और जिसको 15-20 मिलते हैं उसका भी लक लक होता है, पर मेजोरिटी को 10 से 11 नंबर की नॉर्मलाइजेशन मिलती ही मिलती है। तो अगर ओबीसी के 105 से 110 नंबर रॉ में बन रहे हैं तो वो निश्चिंत रहें, आपको 10 नंबर की नॉर्मलाइजेशन मिलेगी, आपके 20 122 नंबर हो जाएंगे और आपके सिलेक्शन के चांस 99% तक हो जाएंगे। वो भाई 1% कीटाणु तो डेटॉल भी नहीं मार पाता, तो हम तो क्या क्या चीज़ है। फिर आते हैं आपकी एससी पे बात, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सेम ही जाते हैं। अब आपकी एससी पे बात आते हैं, एससी की आपकी फाइनल 105 से 110 के अप्रोक्स में रहेगी, इसमें से 10 नंबर माइनस कर लें अगर आप, मतलब 95 से अगर 100 के बीच में आपके रॉ नंबर बन रहे हैं, एक दो नंबर ऊपर नीचे भी हो रहे हैं तो वो वेरिएशन होती है। अगर आपके मेनली मेनली 95 से 100 के बीच में एससी कैटेगरी के नौ रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो वो थोड़ा बेफिक्रे रहें कि हो सकता है आपका 99% आपका लिस्ट में नाम आ जाए। अब बात करते हैं भाई एसटी की। एसटी की फाइनल 100 से 105 जाने की उम्मीद है, और इसी से रॉ पे चलें तो आपके 90 to 95 आपकी रॉ होने चाहिए अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है एमटीएस 2022 में। तो भाई ये मेरी तरफ से आपकी कट ऑफ थी। एक बार मैं बहुत तेज़ी में बता दूं, यूआर की 120-125, ये मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ, यूआर 120-125, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 115 से 120, एससी 105 से 110, एसटी 100 से 105। तो भाई ये रहने वाली है अप्रोक्स आपकी कट ऑफ 2000 एमटीएस की, 2022 एमटीएस की। तो अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप भाई थोड़ा सा बेफिक्र हो सकते हैं, बिल्कुल तो बेफिक्र होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से निश्चिंत हो सकते हैं, बाकी अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस रखिए। और अगर जिसके इतने नंबर नहीं बन रहे हैं तो अब वो 2023 एमटीएस की तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम फॉर्म आ चुके हैं, आप लोग में से कईयों ने भर भी दिए होंगे। तो भाई 2023 एमटीएस के स्ट्रेटजी के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है जीके और इंग्लिश से ही सिलेक्शन मिलेगा, मैथ रीजनिंग में तो अब गधे घोड़े सारे बराबर हैं, अब जो घोड़े बचे हैं बस वो जीके और इंग्लिश में ही अपनी बाजी मारेंगे। तो भाई इंग्लिश और जीके के लिए आपकी एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी वीडियो लाने वाला हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर आपकी कुछ भी क्वेरी हो और अपने मार्क्स आप अपने कमेंट में डाल देना कि आपके रॉ मार्क्स कितने बन रहे हैं, किस स्टेट से हो, तो इस हिसाब से एक आप सबको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई किसके एवरेज स्कोर कितना बन रहा है। वैसे जो ओवरऑल एवरेज स्कोर है 2022 एमटीएस का वो 80 से 100 के बीच आ रहा है 80% बच्चों का, और 80% बच्चों की नौकरी नहीं होती, 10-20% बच्चों की होती है, तो वो उन्हीं का है जिनके 115-120 से ऊपर के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। डेट्स ऑल गाइज, ये था इस वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये सब आपकी मर्जी है। तो भाई चलते हैं।